झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के एक दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पशलंगी, पापड़ा, जहाज, मावता ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने मनरेगा मजदूरों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मिट्टी का कटाव नहीं हो और मिट्टी को सही लगाकर पाल बनाइए। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने गत महीने में किए गए वृक्षारोपण के दौरान अधिकांश पेड़ पौधे जल गए, उनकी जगह उनको उखाड़ कर दूसरे नए पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। गत 8 दिन पहले हुए पशलंगी में मर्डर मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के परिजनों ने पूर्व प्रधान मदन लाल भावरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें न्याय की मांग की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उदयपुर वाटी इंदिरा रसोई में भोजन करने से पहले अपनी जेब से पैसे देकर टोकन भी कटवाया। इसी दौरान गांधी दर्शन वाचनालय कक्ष का भी जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने निरीक्षण किया और SDM को निर्देश देते हुए कहा कि गांधी दर्शन वाचनालय में कम से कम 100 से 200 किताबें रखी जाए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों की कोरोना जागरूकता को लेकर बैठक ली। जिला कलेक्टर ने बताया कि बैनर, पोस्टर, होल्डिंग, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठनों को साथ लेकर कोरोना वायरस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी मौके पर वार्ड नंबर 11 के रास्ते की मांग को लेकर ढाणी के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसको जिला कलेक्टर ने SDM को निर्देश देते हुए तत्परता से रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। इस दौरान SDM राजेंद्र सिंह शेखावत, तहसीलदार अम्मी लाल मीणा, अनुराग यादव, BCMSO भगवान सिंह, उदयपुर वाटी थाना अधिकारी भगवान सहाय मीणा, नवलगढ़ DSP सतपाल सिंह, नगर पालिका ASI विष्णु, गिरदावर जगत सिंह, गिरधारी लाल, पटवारी रामस्वरूप सैनी मौजूद रहे। के निर्देश हैं कि कोरोना के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए। इसी संदर्भ में विभिन्न संगठन, धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, NGO हैं, इन सब लोगों को साथ लेके और एक आंदोलन खड़ा किया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए मीटिंग आयोजित की गई थी। और इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि इसको रीजनरेट करके वापस फोर्स के साथ लग के सब जगह पर बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाएंगे और पैम्पलेट्स लगाएंगे और साथ ही साथ रैलियां भी निकालेंगे और साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे कि जो धार्मिक नेता हैं, जो सामाजिक नेता हैं, उन लोगों को बुला के और उनके माध्यम से, चाहे मस्जिदों के माध्यम से, चाहे मंदिरों के माध्यम से, चाहे धामों के माध्यम से, चाहे सामाजिक संगठनों के माध्यम से, उनसे जनता से अपील कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और साथ ही साथ बहुत आवश्यक होने पर घर के बाहर नहीं निकलें, अन्यथा घर के बाहर नहीं निकलें। इस तरह की रणनीति बनाई गई है और जल्दी इसके अच्छे नतीजे निकल के आएंगे। इंदिरा रसोई झुंझुनू जिले में 14 हैं और करीब करीब सब बहुत अच्छी चल रही हैं। जितनी संख्या निर्धारित है 150 उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। इसका मतलब है लोगों को खाना पसंद है, लोगों को सुविधाएं पसंद हैं। कुछ जगह ये होती है कि मिर्ची की मात्रा, मिर्ची कम ज़्यादा की बात हो सकती है, लेकिन खाना आम तौर से सब लोगों को पसंद है। और साथ ही साथ जो गांधी दर्शन वाचनालय है, इन वाचनालयों में भी अच्छा काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किताबों की कुछ जगह कमी है, उसको शीघ्र पूरा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। नहीं सर, अब पे विचार चल रहा है।